वीकेंड पे लोग अक्सर प्लान करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और जब सर्दी का मौसम ज़रा ज़्यादा सर्द होता चला जाए ना, तो लोग अक्सर शॉपिंग पर भी जाना ना बंद कर देते हैं। ख़वातीन की भी कोशिश होती है कि दोपहर में जाएं और वापस आ जाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इस ठंड के मौसम में भी पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ उतरते हैं और अपनी फैमिली की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें मुझे लगता है शायद ठंड नहीं लगती या उनका जज्बा इतना दीदनी होता है और इतना खूबसूरत होता है कि वो कहती हैं सर्दी होती है तो होती रहे, बर्फबारी होती है तो होती रहे। जनाब, हमने इरादा किया तो इस इरादे की पुख्तगी के साथ हम आगे चलेंगे। तो आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ आबिद सतपारा, पाकिस्तान के मारूफ कोहपेमा हसन सतपारा मरहूम साहब के जो साहबजादे हैं वो मौजूद हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू की हसीन वादियों में जो है वो पले बड़े हैं, और उनका ताल्लुक उनके वालिद हसन सतपारा मरहूम का शुमार उन चंद माउंटेनियर्स में होता है जिन्होंने 8000 मीटर 5 बुलंद चोटियों को सर करने का एजाज हासिल किया है। अभी भी जो प्रिव्यू हमारे पास आ रहा है उनकी तरफ से वो इंतहाई खूबसूरत है। कहाँ बैठे हैं, किस तरह बैठे हैं, ठंड लग रही है नहीं लग रही है, खाया पिया क्या है, जरा उन्हीं से चलकर पूछते हैं। आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, ये इतना प्यारा प्रीव्यू बैकग्राउंड में है, मुझे तो अपना सेट फीका लगने लग गया। किधर बैठे हुए हैं आप? अस्सलाम मैडम, सबसे पहले तो मैं सुनो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दे दिया। इस वक्त मैं स्कर्दू के सिटी के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है खरपोचो जी मैडम, वहाँ पे बैठा हुआ। ये चोटी का नाम है खरपोचो? ये एक ट्रैकिंग कोई पॉइंट है खरपोचो सिटी स्कर्दू के अंदर, तो खूबसूरत यहाँ से पूरा स्कर्दू सामने नजर आता है। तो यहाँ पे मैं वैसे भी ट्रैक करने के लिए आया था। तो कितनी देर में घर पहुँच जाते हैं आप यहाँ से या बाकी लोग? स्कर्दू के लिए कोई 35 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो ये कोई 35 मिनट का ट्रैक है आप लोगों के लिए? 35 मिनट का ट्रैक है ना, जैसे हम जैसे लोग अगर कभी प्लान कर ले स्कर्दू हम गए में, तो हम लोग कितनी देर में पहुंचेंगे चोटी तक? मेरे सामने से कुछ टूरिस्ट गुजर गए हैं तो वो तकरीबन उनका डेढ़ घंटा घंटा तक उनका तकरीबन टाइम लगता है। तो अपना नाना बताएं कि हम तो 33 मिनट में पहुंच के वापस आ जाते हैं। मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे मरहूम वालिद साहब ने 6 पीक सीमेंट किया है, 8000 अबाउट, इसमें K2 नंगा पर्वत, G1 G2 प्रो पीक, इंक्लूड माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। मेरा वालिद साहब पहले पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाहिद क्लाइंबर्स हैं जिसने 6 पीक को विदाउट ऑक्सीजन सर किया। ये एक मेरे वालिद साहब की एक रिकॉर्ड है। दूसरी रिकॉर्ड ये है मेरे वालिद साहब की, मेरे वालिद साहब ने 2 हाईएस्ट पीक 8000 अबाव 5 दिन में सर किया। अब तक गिनीज बुक में भी मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड अब तक सामने नहीं आया। उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए आपने क्या किया, आपने मिशन में शामिल कर लिया? मैं पिछले 2 साल से वालिद साहब की जो मिशन को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही अपील करता हूँ अगर कि मुझे स्पॉन्सर या सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान दुनिया में जो 8 बाकी रहते हैं वालिद साहब की जो मिशन जो अधूरा था वो मिशन को इंशाल्लाह। कौन सी 8 चोटियां हैं आप मुझे बताइएगा आबिद, जो आप चाहते हैं कि आप मुस्तकबिल में सर करें, और कितना फंड उसके लिए रिक्वायर होता है? मैडम, बाकी जो 6 पीक तो नेपाल में, एक चाइना में है, तो मैं यही ज्यादा से ज्यादा एक पीक में कम से कम 1 करोड़ रुपए तकरीबन इसमें स्पॉन्सर की जरूरत होती है। अच्छा, हर पीक में, हर पीक तो, पे जी जी मैडम। तो मैं सबसे मेन चीज जो खर्चा जो आ जाता है इस पीक को सीमेंट करने के लिए, उनकी जो रियलिटी जो है इसका ज्यादा अखराजात आता है। तो उसके बाद रियलिटी के बाद अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं, खाने पीने चीजें, ये सब इंक्लूड लगाए तो तकरीबन 1 करोड़ तक आ जाता है। आप ही कह रहे हैं कि अभी 6 चोटियां बाकी हैं जो कि आपने सर करनी है, वालिद के मिशन को लेके आगे चलना है। और ये मिशन में इसलिए भी कह रही हूँ, लेगेसी में इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि ये चंद हमारे ऐसे माउंटेनियर्स हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी चोटियों को सर करते हैं, और फिर डेफिनेटली हसन सतपारा साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो फिर ये पाकिस्तान की ही खूबसूरती हुई ना, पाकिस्तान का ही जो इमेज है वो पॉजिटिवली जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। और हर एक चोटी को सर करने में तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, पसंद करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इस तरह के लोगों के साथ कलेबोरेट करें। अब थोड़ा मुझे ये बताएगा कि आबिद, जब आप चोटी सर करते हैं, किस किस्म की बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं जो आप लोगों को फेस करनी पड़ी हैं आज तक? जी मैडम, सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्ट किया था 2 साल पहले ये पीक सीमेंट करने के लिए, मैंने 5 पीक सीमेंट की हुई है 6500 की। तो मुझे सबसे जब मैं पहली बार जब गया था पीक सीमेंट करने के लिए,
तो वहां पे मैंने एक पीक था, उसको कहा जाता है शतुंग पीक, शकूक पीक, जा रहा था। तो उसके ऊपर जब टॉप में मैं जब पहुंचा टॉप के करीब, तो सीमेंट पुश था, वहां पहुंचा तो एक कैरवेस थी वो बिल्कुल खुली हुई थी, तकरीबन 12 फुट उसकी चौड़ाई थी। तो वहां मैं मतलब फंस गया। फिर मैंने सोचा आया मैं इतना मेहनत करके ऊपर निकला हूँ, तब मुझे 15-20 मिनट का रास्ता था मस्जिद सीमेंट पुश तक। फिर मैं मजबूर हो गया वहां पे। फिर मेरे साथ और भी क्लाइंबर्स थे, अली हैदर सतपारा थे, नेशनल हीरो अली रजा सतपारा थे, सादिक सतपारा थे। तो उन्होंने बड़ा तरतीब से उस कैरवेस के ऊपर रस्सियां लगा के हम उस कैरवेस को बड़ा मुश्किल से, ये मेरा बड़ा मरहला था कि उसको पीक को सीमेंट करने के लिए। तो वहां से मुझे जुनून और जज्बा पैदा हो गया। फिर मैंने आया मैं वालिद साहब की मिशन को मैं आगे लेके जा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी मतलब हौसला है। तो उसके बाद मैंने जो 5 पीक सर किया अल्लाह के फजल करम से, मैंने एक तो एक पीक मैंने नया एक्सप्लोर किया, ये अब तक पाकिस्तानी जितने भी माउंटेनर्स हैं अब तक किसी ने नहीं किया। ये मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे एक्सप्लोर किया, हसन सतपारा पीक मैंने उस पीक का नाम रखा। जी जी जी, एवरीबॉडी नोस। जी जी, चले। अच्छा अब मुझे ये भी बताएगा आबिद कि अभी तक आपने बहुत सारी चोटियां सर की, अपने वालिद साहब के साथ भी आप जाते रहे हैं। अभी आपने मुझे बताया, अभी आप शकूक के बारे में आपने मुझे बताया, जहां पर पहे वो कोई खरपोचो आपने मुझे नाम बताया, ये चोटियों के नाम इतने अजीब अजीब क्यों होते हैं? मैडम क्योंकि ये हमारे जो बल्तिस्तान के अंदर जितने भी पहाड़ हैं इनके अलग अलग नाम हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने रखे हुए सर, ये मैडम ये रखे हुए, तो इनको उसी नाम से आज भी पुकारा जाते हैं। तो हमें उन पहाड़ों को देख के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी यादें आता है इस पहाड़ों से। तो इसी हम मेरा अपना दादा जो है पाकिस्तान का पहला क्लाइंबर है जो 1952 में इस माउंटेनियरिंग फील्ड को कोई नहीं जानता था। कोरे आते थे एक दो ग्रुप पाकिस्तान में आके, केटू को जाते थे सिर्फ एक दो ग्रुप आते थे। तो पाकिस्तान का मेरी फैमिली में से मेरा दादा ने इस माउंटेनियरिंग फील्ड को उजागर किया। आज माशाल्लाह से आप देखें पाकिस्तान के अंदर इतने माउंटेनियर्स बने हैं, वो पाकिस्तान का सब सिलाली परचम लहराते हैं। तो हमें इस बात का भी फख्र है कि ये हमारी खानदान से स्टार्ट हुआ है, टूरिज्म को हमने ही प्रमोट। मैं इसी चीज पर आने लगी थी कि आबिद गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है खूबसूरती के एतबार से पूरी दुनिया में बड़ा पहचाना जाता है, बड़ा माना जाता है, और टूरिस्ट जो है फॉरनर्स जो है वो उस तरफ जाना भी बहुत पसंद करते हैं। और यकीन जानिए गिलगित हुंजस कर्दू के लोगों को बड़ा ही मेहमान नवाज तसव्वुर किया जाता है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट वो तमाम स्टेप्स ले चुकी है जो कि उन्हें लेने चाहिए, या अभी मजीद भी आगे काम करने की जरूरत है? तो वो बेसिक्स क्या होनी चाहिए जो अभी तक अवेलेबल नहीं है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इसमें हमारी जो जीबी गवर्नमेंट है माशाल्लाह से पिछले 4-5 साल से इस गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट करने में लगी हुई है। क्योंकि आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के लोग कितने अच्छे हैं, उनका जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो कस्टमर नहीं समझते बल्कि वो मेहमान समझते हैं, पहली बात तो है। उसके बाद जो जीबी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है टूरिस्ट पुलिस एक महकमा है, वो टूरिस्ट के साथ हमेशा रिलेटेड रहते हैं। टूरिस्ट को जो भी मसला परेशानी हो तो वो टूरिस्ट पुलिस हमा वक्त तैयार रहते हैं, हर टूरिस्ट पॉइंट में टूरिस्ट पुलिस होती है। उनका चाहे गाड़ी का मसला हो इश्यू बने, चाहे होटल इंडस्ट्री से जो भी इश्यू बन जाता है उनको गाइड के हवाले से। तो ये बताएं जरा मुझे आबिद, जो आपके टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ममतू खिलाया आपने उन्हें? ममतू यहाँ के बहुत मशहूर है मैडम हमारे कल्चर, तो यहाँ टूरिस्ट जो भी आते हैं माशाल्लाह से यहाँ के जो ट्रेडिशनल डिश जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। थैंक यू सो मच आबिद अपना वक्त देने के लिए, ये हसीन मौसम एंजॉय करें। लेकिन जरा जाते जाते मुझे ये बता दें कि स्कर्दू में इस वक्त टेम्परेचर क्या है? इस वक्त -8-9 चल रहा है। अकबर, अभी ये मस्जिद 5-6 दिन के बाद यहाँ पे बर्फबारी भी होगी, तो इंशाल्लाह यहाँ पे फिर -16-17 पे जाएगा। ओ हो, मतलब आप तो यूज्ड होगी। मैं तो इसका मतलब सर्दियों में स्कर्दू जाने के बारे में, हुंजा जाने के बारे में सोचूं भी ना। मुझे याद है 2 साल पहले मैं गई थी -4 था और मैंने 2 दिन बाद फ्लाइट ली थी, मैंने कहा था मैंने नहीं रुकना है। बट एनीवेज एंजॉय कीजिए आप
खर पोचों पे इस वक्त आप मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल मुश्किल सी चोटियों के नाम हैं, लेकिन हमारे जो माउंटेनियर्स हैं वो पाकिस्तान का नाम जो है आगे बढ़ाने के लिए और पाकिस्तानी परचम ऊंची से ऊंची चोटी पर सलबरंद रखने के लिए ये एक्टिविटीज़ जो हैं कर रहे होते हैं, और यही उनका प्रोफेशन भी होता है। और अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की लेगेसी को लेकर आबिद सत्पारा खुद इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 6 चोटियाँ मजीद उन्होंने सर करनी है, जो कि चाइना की तरफ पड़ती हैं, कुछ नेपाल की तरफ पड़ती हैं। So let's see, वो ये कब सर करते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट या फिर मुख़य्यर हज़रात किस तरह से उन्हें स्पॉन्सर करते हैं।